सबसे पहले मैं भारत रत्न राजीव गांधी जी की शहादत दिवस पर उनको हृदय पूर्वक श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। आप सभी जानते हैं कि भारत के संसदीय इतिहास में अब तक का सबसे भारी बहुमत 1984 में राजीव जी के नेतृत्व में आया था। कांग्रेस पार्टी 414 सीटें जीती थी। उस दौरान राजीव जी ने समाज के सभी तबकों को ध्यान में रखकर 11 महत्वपूर्ण नीतियां उन्होंने बनाई थी। एंटी डिफेक्शन लॉ बनाया गया। आज जो चीजें हमारे जीवन पर असर डाल रही है, जैसे संचार और आईटी क्रांति तथा कंप्यूटराइजेशन की बुनियाद उन्होंने ही रखी थी। आधुनिक पंचायती राज की बुनियाद भी उन्होंने रखी, जिसके कारण देश भर में 30,45,000 पंचायती प्रतिनिधि बने, उसमें 14,00,000 महिलाएं पंचायती प्रतिनिधि बने। ऐसा मौका कोई नहीं दिया, सिर्फ राजीव गांधी जी ने दिया, ये हमको याद रखना चाहिए। आज महिलाएं सरपंच है, दलित सरपंच है, ओबीसी सरपंच है और दूसरे अनेक लोग जो देहात में रहते हैं, वो पॉलिटिक्स में आकर अपने नीति से वहां पर काम करके उन्होंने सरपंच, पंचायत मेंबर, ये सब कुछ बने हैं। ये कांग्रेस के वजह से, ये आप सब लोगों को ध्यान रखना चाहिए। 20 साल पहले 21 साल वोटरों का उम्र थी, लेकिन राजीव गांधी जी ने आप तमाम यंगस्टर्स को वोटिंग का अधिकार देने के लिए उन्होंने 21 उम्र को निकालकर 18 साल कर दिया और पूरे नौजवानों को वोटिंग का पावर दिया। यह हमारी देन है। हम चुप कहीं मोदी जी के जैसा बात नहीं करते, काम करके दिखाए हैं।